दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त स्कूलों में बच्चों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं एक बार फिर से खुली हैं। तीसरी लहर में एक बार फिर से देश की राजधानी संक्रमित हुई थी और इस दौरान स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन अब फेज वाइज स्कूलों को खोला गया है और आप बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। जाहिर है उनमें उत्साह बहुत होगा, लेकिन किन बातों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता पेरेंट्स को ही होती है? सबसे ज़्यादा चिंता होनी भी चाहिए, पेरेंट्स को भी है, टीचर्स को भी है, बच्चों को भी है, सबको, कि कोविड के असर में चपेट में ना आए बच्चे। पर पिछली बार जब स्कूल खुले थे तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत शानदार था। मतलब मैं मार्केट में, मॉल्स में, ओपन स्पेसेस में जितना लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए नहीं देखता हूँ, उतना हमारे बच्चों ने, टीचर्स ने किया था जब स्कूल खुले थे। तो उसको लेके मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर हम स्कूल खोलते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का सब पालन करेंगे। साथ ही साथ कितने स्कूली टीचर्स को और साथ ही साथ 15 से 18 साल तक की जो उम्र थी, इन बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुका है? स्कूल टीचर में तो हमारा ऑलमोस्ट 99% टीचर्स को वैक्सीनेशन हो चुका है, और बच्चों में, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में हमारा 95% से ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स में अभी चल रहा है, 50% से ज़्यादा बच्चे वैक्सीन लगवा चुके हैं। पर खुशी है कि हमारे बच्चों ने एक और वैक्सीन लगाई थी, हैप्पीनेस की वैक्सीन। ये सब बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे तो जब कोविड के दौरान घर में बैठने को मजबूर हुए या पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, तो सबने हैप्पीनेस के दौरान इनको मेडिटेशन सिखाया गया था। तो मेडिटेशन ना सिर्फ खुद किया घर पे, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी कराया। मैंने बच्चों से पूछा तो अपनी मदर को, अपने फादर को, इस एंग्जाइटी के दौर में बच्चे मेडिटेशन सिखाने वाले बन गए थे। ऑनलाइन के दौर में हर वक्त बच्चों को फ़ोन पे ही पढ़ाई करनी होती है। बूस्टर डोज तब होगा जब पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाएंगी क्लासेस? बूस्टर डोज का तो जो भी भारत सरकार के प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके गाइडलाइंस होंगे, उसके हिसाब से लगवाएंगे। पर ऑनलाइन पढ़ाई करना टफ तो होता है, नहीं मुश्किल होता है ना? तो मुश्किल होता है बच्चों के लिए भी स्क्रीन पे इतना टाइम बिताना। अगला फेज क्या है? नर्सरी क्लासेस जो हैं उनकी भी शुरुआत होनी है, 8वीं तक की क्लासेस भी खुलनी है। 14 फरवरी से हम आसपास 14 फरवरी से अपने सारे नर्सरी से 8वीं के क्लासेस खोल देंगे। ये टाइम थोड़ा इसलिए रखा गया कि एक बार 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल लें और थोड़ा टीचर्स को भी, प्रिंसिपल को और बाकी सब पूरे स्कूल सिस्टम को एक अभ्यास हो जाए, और साथ साथ थोड़ा छोटे बच्चे हैं उनको बुलाने की तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तैयारी पूरी है और धीरे धीरे ऑनलाइन से ऑफलाइन बढ़ने के लिए भी सरकार तैयार हो रही है। बच्चों में उत्साह है कि एक बार फिर से स्कूल खुले हैं।